स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। माँ होश में आओ। माँ बताओ बताओ क्या क्या हुआ? बेटा तब मुझे ना माँ क्या हुआ? माँ माँ हुआ क्या बता तुझे? बाबा ठीक है ना? माँ माँ क्या हुआ है बताओ ना सही। माँ हाँ माँ बताओ क्या? चले चले गए? कहाँ चले गए? किधर गए? अभी कुछ हो नहीं सकता, अभी कुछ नहीं हो सकता। मैं संभाल लूंगा। माँ बताओ तो सही माँ क्या हुआ है? तू मेरा अच्छा बच्चा है। हाँ माँ दादी तुम मत छोड़, तू मेरे मन समझे कर। तू मुझे छोड़ के तो नहीं जाना? नहीं जाऊंगा माँ, बताओ तो सही माँ क्या हुआ है? अभी ना तेरे लिए तेरे लिए। चौथी ठीक है ठीक। ये चार आप पैक कर दीजिए। बस भाई साहब आप इसका बिल बना दीजिए। सुनिए रितेश, ये सब क्या? इतने सारे कपड़े किसके लिए पैक करवा रहे? आप लोगों के लिए सर। हमारे लिए? ये लीजिए बिल। ला। नहीं सर प्लीज। सर ये बिल मैं पे करूंगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अपनी माँ और बाबा के लिए और अपनी पत्नी के लिए गिफ्ट देना चाहता हूँ सर। रितेश मैं तुमसे बड़ा, मेरे रहते तुम पैसे खर्च करो? नो नो दिस इज नॉट फेयर। सर प्लीज, अभी कल ही तो आपने कहा कि मैं परिवार का हिस्सा हूं, घर का बड़ा बेटा, तो घर के बड़े बेटे होने के नाते इतना तो हक बनता है ना सर मेरा। और सर इस शहर में आपके अलावा मेरा कोई नहीं है सर। मेरी खुशियों को मुझे बांटने दीजिए प्लीज सर, आज ना मत कहिए। मैडम आप आइए आइए। कहिए मैडम क्या लेंगी, ठंडा या गर्म? मेरे ऑर्डर्स रेडी हैं। हाँ आपके ऑर्डर्स रेडी है ना? अरे मैडम का सामान लेके आओ जल्दी से बाहर। मैडम की गाड़ी में रखो जल्दी ले जाके जाओ। लगता है किसी अमीर खानदान से है, एक साथ इतनी सारी खरीदारी। अमीर फैमिली तो है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर अमीर फैमिली अच्छी भी हो। इस औरत को जानता हूँ, शहर की एक रईस के साथ इसकी शादी हुई थी। उस आदमी की और इसकी उम्र में 40 साल का फर्क था। जानबूझकर सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी इसने। अब वो आदमी नहीं रहा, उसकी दौलत बची है, उसी पर ये मौज कर रही है। इंसान का चरित्र उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, और जो इंसान अपने चरित्र के साथ समझौता करके ऐशो आराम की चीजें इकट्ठी करता है, ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, जिन लोगों का कोई चरित्र नहीं होता उनके साथ किसी भी तरह का संबंध रखना खुदकुशी से भी बड़ा पाप है। देखा निलंजन, अब इस घर में एक ऐसा शख्स भी है जो मुझसे और मेरे विचारों से सहमत है। वेरी गुड रितेश, तुम्हारा आदर्शेर कथा सुने खूब भालो लगा। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। हे, तुझे नहीं लगता है कि आज इसके गाल शादी के जोड़े से भी ज्यादा लाल लग रहे हैं? हाँ यार चला चलो जीजू को देख के आते हैं, चल चलते हैं। चल अनु इधर आ, जल्दी आ, इधर आ बैठ बैठ। क्या बात है, तीन दिन से देख रही हूँ, अपना मुंह क्यों फुला रखा है? तूने तानी के साथ फिर से झगड़ा किया? नहीं तो मैं उससे क्यों झगड़ा करूंगा? That's like a good boy. और वैसे भी तानी के साथ झगड़ा करके
तेरी सेहत की अच्छा नहीं है ना? दी, दी, अच्छा सुनो सुनो सुन। अपने रितेश जीजू को मेरे और तानी के बारे में तो अभी तो नहीं बताया। अब बताना अभी मत प्लीज। क्यों? अब वो इस घर के दामाद है, आज नहीं तो कल तो उन्हें पता चल जाएगा। वो जब पता चलना तब पता चल जाएगा, लेकिन दी आप अपनी तरफ से कुछ मत बताना प्लीज। देखिए तानी को भी बुरा लगेगा ना, और हमारी शादी की वजह भी मालूम नहीं है। दी आप प्लीज मत बताना प्लीज। दी अनन्या बेटी, मैं तो तुझे कब से ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ बैठे हो। अरे अनन्या, अरे जीजू का हाल तो बहुत ही बुरा है। देखिए ना मासी माँ, सुबह से मुझे ये छेड़े जा रही है। अरे बस करो, अब मत छेड़ो इसे। ये वो रात्रि है जो पति पत्नी को एक दूसरे के नजदीक लाती है। तेरे बारे में सब कुछ जानने का हक बनता है उनका। इससे पहले कि देर हो जाए तू सब कुछ बता दे बोधी को। के 2 बजे कहाँ जा रहे हैं? Thank you.
तुम यहाँ? मैंने तो सोचा था आज तुम नहीं आओगे। क्यों भाई, ऐसी क्या खास बात है आज? शादी नहीं हुई है तुम्हारी? अरे यार, शादी वादी तो होती रहती है, इससे ना ही जिंदगी ना ही जिंदगी जीने का तरीका बदलता है। अरे हाँ, वो ये लो, शॉपिंग के लिए जो तुमने मुझे पैसे दिए थे उसे चुकता कर रहा हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे, इसे तुम ही रख लो शादी का तोहफा समझकर। ना, ना, अब मुझे तुमसे ये सारे गिफ्ट्स नहीं चाहिए। शायद तुम भूल रही हो कि मेरी शादी अब एक बहुत ही अमीर लड़की से हुई है, इसलिए मेरी सारी जरूरतें मैं उससे पूरी करवा सकता हूँ। अगर ऐसा ही है तो तुम सुहाग रात के दिन यहाँ क्यों आए हो? आज तुमने मुझे सारी शॉप में भी नहीं पहचाना। तुम्हारी बीवी घर की चीज घर पे ही रहे तो अच्छी लगती है, और हम जैसे लोग अगर घर से बाहर ना निकले शोभा नहीं देता। तुम नहीं सुधरोगे। मैं संभाल लूंगा माँ, बताओ तो सही माँ, क्या हुआ है? तू मेरा अच्छा बच्चा है। हाँ माँ, दादी तू मत छोड़, तू मेरी बात समझे कर। हाँ, तू मुझे छोड़ के तो नहीं जाना? नहीं जाऊंगा माँ, बताओ तो सही माँ, क्या हुआ है? बेटा बेटा
माँ अब चिंता मत करो, मैं बाबा को अभी जाकर वापस लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, तू नहीं जाएगा, तू यहीं रह। तेरे पापा जिस पैर से गए ना, उसी पैर से आके, तुझे पता नहीं है ये औरत लोग ना सिर्फ पैसे के ही दोस्त होते। पक्के पास तो पैसे खत्म हो जाएंगे ना, तो वो पापा को छोड़ देंगे, पापा फिर से मेरे पास आएंगे ना। पापा आ जाएंगे ना, पापा आ जाएंगे। और फिर पापा कहीं नहीं जाएंगे। और तू देखना, तेरे पापा आएंगे ना तो मैं उनको कितना डांटूंगी, मैं उनके साथ झगड़ा करूंगी, उनका गला ही घोट दूंगी। अगर तेरे पापा नहीं है तो सुनो, इधर देखो, आ जाएंगे ना पापा, बस आते होंगे, आप फिक्र मत करो, पापा आ जाएंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।